मेरे सारे व्यूअर्स को चिलियन गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। खाना हो तो ऐसा हो कि जिस जो जायकेदार भी हो और जो भारी भी ना हो, यानी इतने मसाले भी ना हो कि पहले खाना खाएं और ऊपर से हाजमे की दवा खाएं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम मसालों में एक टेस्टी डिश तैयार करूं, और यही कोशिश और इसी कोशिश के साथ मैं आपके सामने आज कलेजी बनाऊंगी। ये हमने 250 ग्राम कलेजी ली है, और ये बहुत छोटी प्याज है, और ये बहुत छोटा टमाटर है, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, जो कि ये तैयार है। एक टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, एक टीस्पून हमने नमक लिया है, एक से डेढ़ टीस्पून हमने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, दो टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, दो टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, और ये थोड़ा सा हमने खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसमें तीन छोटी इलायचियाँ हैं, चुटकी भर हमने ज़ीरा लिया है और तीन लौंगे लिए हैं। आज का टिप ये है कि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है जो हर किसी को अच्छी नहीं लगती, तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस आप स्क्वीज़ कर दिए तो आपको वो स्मेल भी नहीं आएगी। ये आज का टिप है। और एक चीज़ ये कि अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो आपका चॉइस है। हमने ऑयल गरम कर लिया, अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। ये हमने कलेजी के क्यूब्स कर लिए थे और अब ये इसमें हम डाल देंगे। और इसमें ऑयल हमने 5 टेबल स्पून डाला, आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको फ्राई करेंगे हम कलेजी को ऑयल में, ताकि इसकी थोड़ी स्मेल, ये ज़रा सी फ्राई हो जाए और इसकी स्मेल भी दूर हो जाए। वैसे तो हमने लेमन भी डाला है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है कि इसकी स्मेल ज़्यादा होती है, तो वो भी दूर हो जाएगी लेमन से भी और फ्राई करने से भी। ये हमारी कलेजी के पीसेस अच्छे फ्राई हो गए, अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। थोड़ा इसको भूनेंगे। अब ये मसाला भी हमारी प्याज लहसुन सब भुन चुका है अच्छी तरीके से, तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला जो हमारा होममेड है वो हम बाद में ऐड करेंगे। मैं आपको लिंक अपना दे दूंगी गरम मसाले का, आप ज़रूर देखिए, बनाइए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरे गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गलने के लिए 15 मिनट ढककर रख देंगे हल्की आंच पर। अब ये हमारी कलेजी जो है ये भुन गई है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे और 5 मिनट और इसको ढककर पकाएंगे, और फिर ये हमारी रेडी हो जाएगी डिश आउट करने के लिए। अगर आपको जल्दी हो, और कभी कभी होता है कि कलेजी गलती देर में है, तो आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में आप 5 या 6 सीटियाँ लगाइए और 5-7 मिनट लो फ्लेम पे पकाइए, और आपकी कलेजी तैयार हो जाएगी। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और ये देखें हमारी कलेजी कितनी जायकेदार तैयार हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करके आपके सामने लाते हैं। अब ये आपके सामने हमने कलेजी तैयार कर दी। अब आप फौरन जाइए और कलेजी लाइए और उसको तैयार करिए
बनाकर खाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये बनाई हुई कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।